देखिए दोस्तों, ये है बिच्छू घास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेटल और गढ़वाली में बोलते हैं कांडली और कुमाऊं में बोलते हैं इसको शिशोन। इसकी सब्जी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है और इसको सिर्फ सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि सर्दियों में इसकी जो पत्तियां होती हैं बहुत ही नरम होती हैं। अच्छी तरह से देखिए, बहुत ही बारीक इसके कांटे कांटे होते हैं और इसके फायदे इतने हैं कि आपको मैं गिना ही नहीं सकता। आप चाहें तो इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। एक बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर खाते हो सर्दियों में एक दो बार भी सब्जी इसकी खा ली तो आपको कभी ज़िंदगी में पथरी नहीं होगी और लकवा भी नहीं मारेगा। ये देखिए इसको काटने का तरीका ये होता है कि एक हाथ में चिमटा रखिए और दूसरे हाथ में एक कुदाली रखिए काटने के लिए। जो इससे काटते हैं बड़ी ही सावधानी से काटना चाहिए क्योंकि अगर ये लग गया आपके हाथ में तो 24 घंटे के अंदर इसका असर जाता है। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर। देखिए कितने प्रोफेशनल लोगों के, मैंने गांव के ही लोगों से इसको कटवाया है और गांव के लोग ही से मैंने इसको बनवाया है क्योंकि जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं हो तो वो नहीं करना चाहिए। बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम करना चाहिए। कभी भी आप उत्तराखंड जाओ तो इसकी सब्जी जरूर खाओ। क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही फायदे होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं और इसकी सब्जी कैसे बनती है। सब्जी बहुत ही नॉर्मल तरीके से बनती है लेकिन इसके फायदे हैं, इसलिए मैंने इस रेसिपी को इसमें शामिल किया है। देखिए, ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास में से दिखा रहा हूँ। कांटे इसके बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, कांटे बड़े मुलायम होते हैं जो कि उबालने से इसके साइड इफेक्ट खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो इसके न्यूट्रिशन रहते हैं आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, वो आपको इस सब्जी में मिलेंगे जो कि आपको बहुत फायदे देते हैं। हमने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई के अंदर डाल दिया सादा पानी। सादा पानी को उबालने के लिए छोड़ दिया। उबाल हमारा आ चुका है। उबाल आने के बाद में हम इसके अंदर नेटल लीव डालेंगे, हमारी सारी शिशोन की पत्तियां धीरे धीरे करके बड़ी सावधानी से चिमटे की मदद से हम इसको डालेंगे और इसको कम से कम 10 मिनट उबालेंगे। उबालने की वजह से इसके सारे जो कांटे हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके कांटों का असर कम हो जाएगा। हमने 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट में होने के बाद में हमारी सब्जी बिल्कुल उबल चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे, इसका पानी फेंक देंगे। बड़ी सावधानी से इसको हम करेंगे, सारा पानी हम निकाल देंगे इसको छलने की मदद से। देख लीजिए मामी जी भी बड़े प्यार से निकाल रही हैं, बड़ी आसानी से निकाल रही हैं। उसके बाद में सारे मिक्सचर को एक प्लेट में डालेंगे और उसके बाद में हम एक लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में हम डालेंगे सरसों का तेल, तकरीबन एक टेबल स्पून। एक टेबल स्पून सरसों का तेल डालने के बाद मिर्च और इस मिक्सचर को मिक्स करके हम डाल देंगे। डालने के और तेज आंच पर इसको भूनेंगे। भूनने के बाद में इसमें थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसको तेजी से फिर भूनेंगे। फिर भूनने के बाद में इसको हमारी सब्जी हो गई है तैयार बिल्कुल। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट बनी है और सेहत के लिए तो है ही अच्छी है ना, अनोखी सब्जी। तो देखिए, खाइए, जब भी उत्तराखंड जाने का मौका मिले इस सब्जी को जरूर खाना। ये आपके लिए बहुत ही सेहतमंद सब्जी है और थैंक यू मामी जी आपके इस रेसिपी शेयर करने के लिए।